मृत्यु हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता। जो इस दुनिया में आया है उसका एक समय बाद जाना तय है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार एक मनुष्य की मृत्यु कब और कैसे होती है। जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। बढ़ते समय के साथ ही मनुष्य के बोलने और देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं और उसे डराते हैं, धमकाते हैं, साथ ही नरक में मिलने वाले दुख दर्दों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातों को सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं: दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नाक के सुर, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से बाहर निकलती है तो ऐसी मृत्यु को बहुत ही दर्दनाक माना गया है। इस तरह से होने वाली मृत्यु में मनुष्य मल मूत्र त्याग देता है और ये बहुत ही दर्दनाक होती है। जो लोग मोह माया में फंसे हुए होते हैं और वहीं उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ ही उन्हें अपने परिजनों से ज्यादा मोह होता है, ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर उसकी आँखें काम करना बंद कर देती है, उसे कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण अपने प्राणों को छोड़ना नहीं चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उसके प्राणों को हर लेते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आँखों से बलपूर्वक निकाले जाते हैं तो मरने वाले मनुष्य की आँखें उलट जाती हैं। बता दे कि शास्त्रों के अनुसार जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं उनका यमलोक में स्वागत और सत्कार किया जाता है। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से बाहर निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार नाक से प्राण निकलना भी बहुत ही शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह से प्राण केवल उन्हीं लोगों के निकलते हैं जो लोग हमेशा अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चले हों और अपने परिवार के सारे फर्ज निभाए हों, साथ ही मन को बैरागी बना लिया हो। दोस्तों, जब मनुष्य के शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। वह उसी प्रकार से व्यवहार करती है जैसे कि वो शरीर में रहकर करती थी। आत्मा अपने सगे संबंधियों को आवाज देती है लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट सी महसूस होती है और वह परेशान होकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को कुछ कहना चाहती है लेकिन कोई भी मनुष्य उस आत्मा की बात को नहीं सुन पाता है, क्योंकि मनुष्य तो केवल भौतिक चीजों को महसूस करता है, अभौतिक चीजों को नहीं करता है और उसकी आवाज केवल उस तक ही गूंजकर रह जाती है। तब उस आत्मा से यम के दूत कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है, और वह यमलोक की ओर चल पड़ते हैं और उसके किए गए कर्मों के अनुसार उसे यम मार्ग की ओर ले जाते हैं। वही मृत्यु के बाद मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क मिलता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दे कि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य दिखाई दिए जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को फिर से वही छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर को त्यागा था और अगले 13 दिनों तक यह आत्मा वही रहती है। जब उस आत्मा के धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं तब उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ही भयानक होती हैं। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं उन्हें इन बाधाओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं बुरी आत्माओं को इस मार्ग में कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है और कितने दिनों तक आत्मा धरती पर रहती है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा।